बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड यस्टरडे वी स्टार्टेड इन यूनिट नंबर 3, लाइफ फंक्शंस। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट फीचर ऑफ लाइफ, दैट इज ग्रोथ। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 23। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्रोथ। ऑल यंग लिविंग थिंग्स ग्रो at the same stage. When they become adults, they stop growing. Some species grow more quickly than others. A human baby takes over 20 years to grow to full size. Your ears, nose will keep getting bigger for the rest of your life. Scientists recently calculated that a person's ears grow an average of 0.22 millimeter per year. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो डैट ऑल यंग लिविंग थिंग्स नीड टू ग्रो। जब ये यंग लिविंग थिंग्स एक एडल्ट स्टेज पर पहुँच जाते हैं, दे स्टॉप ग्रोइंग। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि जिनका ग्रोथ टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है और कुछ बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बेबी, अ ह्यूमन बेबी टेक्स अवर 20 ईयर्स टू ग्रो टू फुल साइज। अब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि योर ईयर्स एंड नोज विल कीप गेटिंग बिगर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और इसकी एवरेज ग्रोथ कितनी है पर ईयर, 0.22 मिलीमीटर। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट अदर एनिमल्स, अ यंग स्नेक द साइज ऑफ योर फिंगर, एक यंग स्नेक जिसका साइज हमारे एक फिंगर के बराबर है, जब वो एक एडल्ट स्टेज पर पहुँचता है, इट्स अवर 2 मीटर लॉन्ग। Tiger takes a few years to reach full size. A bean plant takes a few weeks to grow to full size. A small seed takes years to grow into a tall tree. अब एक छोटा सा बीज जो कि काफ़ी साल लेता है एक टॉल ट्री बनने में। Alright, now come to the concept check. Fill in the blanks to complete the sentences. All living things grow when they are young. Number 2, growth slows down and stop at the some stage in adulthood. All living things move and movement is called locomotion. It uses up energy. Alright, come to the next topic, that is food. Food, all living things need food in order to carry out their life processes. फूड गिव्स दैम एनर्जी। फूड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फूड ही है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाउ एनिमल्स गेट दिस एनर्जी? एनिमल गेट दिस एनर्जी बाई ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। इफ़ यू टॉक अबाउट एंटलियन एंड द एंटलियन बिल्ड्स अ ट्रैप फॉर एंट्स। अब एंटलियन ये एक इंसेक्ट है जो कि एंट्स को ट्रैप करता है एक्चुअली, और उसी को वो ईट करता है। फिश स्वैलो देयर फूड होल और इन लम्स, दे डू नॉट च्यू। अब फिश अब फूड चबा नहीं सकती, इसलिए वो डायरेक्टली फूड निगल लेती है। एनिमल्स सच एज काउस, डियर, गोट एंड अदर हर्बीवर्स च्यू देयर फूड। इसी तरह जो काउस, डियर, गोट वगैरह हैं, ये फूड आसानी से चबा सकते हैं। अ मॉस्किटो यूजेस अ शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अ मॉस्किटो के पास एक शार्प नीडल लाइक माउथ है, जिसकी जब वो ह्यूमन या एनिमल्स पे अटैक करता है तो वहाँ से वो ब्लड अपनी नीडल लाइक माउथ से सक कर लेता है। इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स टू नीड एनर्जी। प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, कैसे वो एनर्जी ऑब्टेन करेंगे? प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स मेक देयर ऑन फूड। प्लांट्स जिनके पास ग्रीन लीव्स हैं वो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टूगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट फॉर्म्स अ फूड। फूड दैट इज़ अ ग्लूकोज। वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लेते हैं, ये दोनों रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। आप ये एक प्लांट है, ठीक है, अंडरग्राउंड से इस रूट ने वाटर को एब्सॉर्ब किया, एयर
जो इसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप किया, ये दोनों मिलके एक फूड प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन हर प्लांट अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। अब रेफ्रिजिया ये एक प्लांट है, एक पैरासिटिक प्लांट है, ये अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता बिकॉज इट डज नॉट हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन नॉट मेक इट ऑन फूड। इट लिव्स ऑफ द फूड मेड बाई अदर प्लांट्स। ये अपना फूड दूसरे प्लांट से ही ऑब्टेन करता है। मशरूम्स, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, दे आर ऑल कॉर्निवर्स बिकॉज ये अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनके पास कोई ग्रीन लीव्स नहीं है, ये अपना फूड दूसरे प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। When you think about a plant or an animal, ask yourself these questions: Why does it need food? What kind of food does it need? Where and how does it get its food? How and when does it take in food? हमारे जहन में सारे सवाल आते हैं कि ये फूड इनको क्यों ज़रूरी है, फूड और किस किस्म का ये फूड ऑब्टेन करते हैं, वेयर एंड हाउ डज इट गेट इट फूड, कहाँ से आता है इनके पास फूड, एंड हाउ एंड वेन डज इट टेक्स इन फूड। तो हमें पता है कि एनिमल्स या प्लांट दोनों को एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए फूड इम्पॉर्टेंट है। अब प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, एनिमल्स अब फूड ऑब्टेन करते हैं दूसरे एनिमल्स से ही या फिर प्लांट से ही अपने लिए फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कॉन्सेप्ट चेक। All living things need energy. We all know that all living things need energy. How do the following living things get their energy? First one is antlion. Antlion through foods. अब इसको food मिलता है, ठीक है, food की हेल्प से वो energy obtain कर रहा है। लेकिन किसका कैसा food? By eating ant. ये different जो ants है उनको ये trap करके खा लेता है, जिससे जो इसका actually food है और इसे energy मिलती है। Rafflesia एक plant है, gets its energy by living off the food made by other plants. It is a parasitic. ये एक parasitic plant है, ये अपने लिए food खुद prepare नहीं करता बल्कि दूसरे ही plant से अपने लिए food obtain कर लेता है। Apple tree through photosynthesis, apple tree अपने लिए food खुद prepare करता है। Shark through its food, और shark की भी food है, ये animal है, fish है, fish की type है, और ये अपने लिए food खुद find करता है। Okay? सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अब क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट चेक को, यहाँ पे भी आपको यही सेम कॉन्सेप्ट चेक गिवन है, यहाँ से आप लोग इस कॉन्सेप्ट चेक को देखकर अपनी बुक पे ही आपने फिल करना है। ऑलराइट, एंड योर टुडेज क्लास वर्क इज क्वेश्चन 5, आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, व्हाट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स प्लांट्स कैन डू बट एनिमल्स कैन नॉट? Plants can make their own food, but animals cannot make their own food. Number 2, why do animals move from place to place? Actually, में ये question हम कल के lecture में भी कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने इस question को attempt नहीं किया तो आप इस question को भी attempt कर लें। ठीक है, why do animals move from place to place? Animals move from place to place to find food and water or to avoid danger. Number 3, how does a mosquito feed? Mosquito को food कहाँ से मिलता है? A mosquito feed through a sharp needle-like mouth part. ठीक है, उसका कहाँ से food obtain, कहाँ कैसे वो food suck कर रहा है? क्योंकि उसके पास एक sharp needle-like mouth है. Alright, and your today's diary is unit number 3, reading page number 24, 25 and 26. Learn and write question 5, part 1 and 3. अगर आप में से किसी ने पार्ट 2 भी अटैम्प्ट अभी तक नहीं किया तो आप 1, 2 and 3 तीनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।